नमस्कार दोस्तों, पीएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर करेंगे, क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 15। देखिए इसमें क्या कहा है। इसमें सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखें कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन और ग्रेटर, या फिर आप कह सकते हो कि एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। प्रोबेबिलिटी होती है वो एक से तो छोटी या एक के बराबर और जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नेवर बी नेगेटिव, कि माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मैंने एग्जांपल दिया जैसे माइनस वन ही आपके पास हो सकती है, और फ्रैक्शन की अगर बात करें तो माइनस 1.05 नहीं हो सकती। फ्रैक्शन में हो सकती है पर नेगेटिव में नहीं हो सकती। माइनस 3/5 भी नहीं हो सकती। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। इसमें कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब किसी भी चीज़ के होने की संभावना प्लस ना होने की संभावना क्या होगी। तो मैंने लिखा है कि किसी भी चीज़ के होने की संभावना आधी हो सकती है। जैसे किसी ने बोल दिया कि आज बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है हाफ। हाँ, अगर हो सकती है तो हाफ हो गया, और नहीं हो सकती तो हाफ हो गया। ये नोट की है, और ये हाँ हो सकती है तो हाफ होगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कन्फर्म तो नहीं बताया जा सकता। उसके बाद इन दोनों का अगर सम करेंगे तो आएगा 1। आप एलसीएम लेकर के कर लेना। तो दोनों का सम जो होता है वो हो सकता है, होता है हमेशा 1। दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कि जो होगी ही नहीं, उस प्रोबेबिलिटी बताना है आपने कि ऐसे इवेंट की जो कभी होगा ही नहीं, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ठीक है नहीं होगा तो 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इसी में मैंने मर्ज कर दिया है। उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की हो सकती है तो 0 की जगह आप 1 रख दीजिए, क्योंकि उसकी हो सकती है, पक्का कन्फर्म है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट, उस इवेंट को क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट। थर्ड क्वेश्चन इसी में मर्ज था। और फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट विल बी, कितना होगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट। जितने भी आपके पास इवेंट्स दिए होंगे प्रोबेबिलिटी के, उनका अगर आप सम करोगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि किसी भी चीज़ के होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो है 1/3, और दूसरे की है 2/3। तो अगर सम करेंगे तो इसका सम भी आएगा 3/3, यानी कि 1। तो मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट विल बी 1, हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या इक्वल और 1 से छोटी या उसके इक्वल हो सकती है। अच्छा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 15.1 एक्सरसाइज का। इसमें मैं बता रहा हूँ कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं। जिन इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ के होने की संभावना अगर बराबर बराबर होती है, तब हम बोल सकते हैं कि उसको इक्वली लाइकली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ना बड़ा गजब का है, इस पर आज बहस होने वाली है। आप ना पूरी कोशिश करना इसको सोल्व करने की अपने माइंड में। अभी वीडियो को पॉज करके आप सोल्व कर सकते हो और फिर मेरे आंसर सुनना इस पे, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने, काफ़ी सारे टीचर्स ने इसको एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन काफ़ी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया और इसके बारे में बच्चों को बताया नहीं, तो उनके ना काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। और टीचर भी जो है ना, कई बार इसको स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को। ये ना मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पक्का कि इक्वली लाइकली जो इवेंट्स होते हैं वो होते तो हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर, पर इसमें क्या बताया। देखो ध्यान से देखना, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब बताओ, एक ड्राइवर है, कार को चलाने का प्रयास करता है, वो कार चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती। दो ही तो कारण है ना उसके, दो ही तो चांसेस हैं कि हाँ चल सकती है या नहीं चल सकती। तो भाई ये तो इक्वली लाइकली हो गया, पर एनसीईआरटी वालों ने इसका आंसर दे रखे हैं कि ये इक्वली लाइकली नहीं है। ये ट्रू और फॉल की बात की थी, उसने बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है आपके पास फॉल्स है, FALSE, ये फॉल्स है। कैसे भाई? काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई फॉल्स है कैसे, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ड्राइवर जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कार को, तो वो पक्का चल जाएगी, इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए फॉल्स है ये, इसको याद रखना। दूसरी बात, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट ए बास्केटबॉल, भाई प्लेयर है बास्केटबॉल को ना शॉट कर रहा है वो, और ही सी शॉट और मिसेज द बॉल, शॉट कर रहा है तो पक्का डल जाएगी, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये ट्रू है या फॉल है।
वो डालने की कोशिश करता है, बॉल डल जाएगी, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, ये भी फॉल्स है, याद रखना इसको इस प्रकार से है। और तीसरा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता है जिसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो वो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इवेंट है ये ट्रू है, इसको आप टी लिखो, ट्रू। रीजन बिहाइंड कि क्वेश्चन या तो हाँ में होगा या ना में होगा, या तो ठीक होगा या गलत होगा। अभी कुछ ना, अभी देखना एक टर्निंग पॉइंट आएगा, अब देखते जाओ थोड़ा सा और। अब बेबी बॉय बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, कि एक बच्चा पैदा होता है, या तो वो लड़का हो सकता है या फिर वो लड़की हो सकता है। भाई लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, अब आया दिमाग में कुछ, लड़का या लड़की, कोई और नहीं हो सकता, ट्रांसजेंडर हो सकता है ना, है ना ये। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, और एनसीईआरटी वालों ने क्या दिया है इसका आंसर, कि ये ट्रू है भाई। अब करता हूं मैं वो चीज एक्सप्लेन जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को। एक ड्राइवर है, कार को अटेम्प्ट करने का प्रयास करता है, दो ही चांसेस हैं, या तो वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, नॉट स्टार्ट। भाई ये इक्वली लाइकली इवेंट है, पीछे दे रखा है इसका आंसर आपके पास, फॉल्स इसका आंसर। अब यहां से आपको क्या लग रहा होगा कि कार स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना, और अपना ना जो रिप्लाई है वो मुझे कमेंट में करना। मैं वीडियो को सिर्फ इतने ही बनाऊंगा, सिर्फ दो क्वेश्चन, एक पिछले वाला डाला है और किए, बस दो क्वेश्चन, उसके बाद में जो पूरी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट करवाऊंगा, और कुछ बताता जाऊंगा आपको हर दिन। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल को शॉट करने का कोशिश करता है, अब वो जो बॉल है वो डल जाती है उसमें, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ये फॉल्स है, गलत है। भाई वो इक्वली लाइकली क्यों नहीं है, या तो बॉल डल जाएगी या नहीं डलेगी, दो ही तो चांसेस हैं, तो दोनों बराबर चांसेस हैं, अगर दोनों बराबर चांसेस हैं तो इक्वली लाइकली हुए, और वहां आंसर है फॉल्स, और अब मैं बता रहा हूँ कि ये है ट्रू, और एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है फॉल्स। ये एनसीईआरटी वालों की मैथ है, कि मैथ के मुताबिक है आंसर, और ये मेरे मुताबिक है। आप इसमें ना गलती निकालना, इसमें कमी निकाल के फिर मुझे बताना कि क्या रीज़न था इसका। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो आंसर है ये इनके बिल्कुल अपोजिट हैं, उल्टे हैं। अ ट्रायल इज मेड टू, अच्छा ये जो क्वेश्चन ये है ये तो मैं भी ट्रू बोलता हूँ कि ये भी ट्रू है, कि अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल क्वेश्चन, ट्रू फॉल क्वेश्चन का था, और उसमें या तो कोई क्वेश्चन ठीक हो सकता है, ठीक है, राइट हो सकता है, सॉरी RIGST, राइट हो सकता है और रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। चौथा जो है, एक बेबी बोर्न होगा, लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, मैंने बता दिया कि ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। अच्छा अगर ट्रांसजेंडर हुआ ना तो आपके पास तीन होंगे, एक बॉय, एक गर्ल और एक ट्रांसजेंडर, तो क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है। भाई ये है इक्वली लाइकली इवेंट, कैसे देखिए, एक दो तीन है, इसके होने की संभावना कितनी होगी, 1/3, इसके होने की संभावना भी कितनी होगी, +1/3, इसके होने की संभावना भी कितनी होगी, 1/3, सबका सम कर लीजिए, एलसीएम लेके वन आंसर आएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी है ना, इक्वली लाइकली इवेंट है ये है इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको ट्रू, पर हाँ इसका ये आंसर, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बॉय और गर्ल होंगे, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। उन्होंने बोला, मैंने कहीं पूछा अपने, मतलब जो मेरे गुरु हैं उनसे मैंने बात की कि सर इसमें ऐसा ऐसा लिख रखा है कि बॉय है गर्ल है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। वो उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो इक्वली लाइकली है। मैंने कहा सर ट्रांसजेंडर हो सकता है, तब वो कन्फ्यूज़ हो गई, वो कहने लगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें सिंपल साइंस यूज़ की है सर ने मुझे बोला, मतलब जो मेरे आदरणीय गुरुजी हैं उन्होंने मुझे बताया कि सिंपल साइंस का यूज़ होता है। लेकिन चलो मैं तो मान गया कि सिंपल साइंस है। जो बच्चे आते हैं ट्यूशन पे मेरे पास, उनमें से 10th क्लास के एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर बॉय और गर्ल नहीं एक और हो सकता है, तब आप उसको क्या आंसर दोगे, क्या जवाब दोगे उसको। तो वो सब एक्सप्लेन मैंने अब कर दिया है, आप ना पक्का कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे आंसर सही लगे या एनसीईआरटी वालों के आंसर, काफ़ी चेंज है, थोड़ा ध्यान से देखना। फिर मैं आपको अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बताऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, और हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। थैंक यू।